और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के हमारे मुख्य पहुना है आदरणीय पंकज कुमार जैन जी, जो अध्यक्ष है स्थायी लोक अदालत बिलासपुर के, और हमारे अंपायर जी तैयार होते हुए इस स्कोरर का भी इशारा आता हुआ, हमारे मुख्य अंपायर हमारे बड़े भैया रितेश राय जी जो है मुख्य अंपायर। और पहली गेंद बहुत ही सुंदर शॉट, चकाचक चौका, डाबर चमनप्रास चौका, कनेक्टिंग एस। पहुंचे हुए हैं लकी और सैनी जी, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाजी करते हुए लकी। दूसरी गेंद लेग के दिशा पर फेंकी गई गेंद, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज लकी, जिन्होंने पहली ही बॉल पर डाबर चमनप्रास चौका जड़ दिया है और स्कोर दो गेंदों में हो पहुंचा है 4 रन। अच्छा खेल देखते हुआ तीसरी बॉल उसी दिशा पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस बार प्रहारक छोर पर आ गए हैं बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज सैनी, और छक्के आने अभी भी बाकी। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ बहुत ही अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ और लगातार दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ। बहुत ही होनहार एम्पायर हमारे बड़े भैया रितेश राज जी और जब्बार खान 10 वर्षों से हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। और ड्राइव करते हुए अच्छी फील्डिंग शॉट पर खड़े फील्डर के द्वारा चीते की स्फूर्ति के साथ दौड़ते हुए और सीएसईबी के खिलाड़ियों को चूसती स्फूर्ति का राज डाबर चमनप्रास। खूब खाइए, खूब मोटाइए। इस मैच के प्रायोजक है पूर्णा ट्रेडर्स। अच्छा कट, पुश करके दौड़ना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा, और इस तरह ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवरों की समाप्ति के पर बिना विकेट के नुकसान पर एसीसी 11 का स्कोर 5 रनों पर जा पहुंचा है। बहुत ही जल्द आज के मैच के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री पंत। करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान, हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड सरकंडा बिलासपुर, संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgarage.com पर। साथ ही साथ आज के हमारे पहुना हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय माफी चाहूंगा एम्पायर जिनका नाम सुरेश जी, गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और भरत लोनिया जी आपका भी हार्दिक स्वागत। दूसरा ओवर लेकर के आते हुए गेंदबाज प्रतीक जी, और पहली गोंद गेंद डाबर चमनप्रास चौका, कनेक्टिंग एसीसी। चौका जड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। रिवर्स का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बल्लेबाज के मन में, और बिल्कुल ही गेंद और थोड़ी दूर रही उनके बल्ले से, वरना निश्चित तौर पर एक और बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे। खचा खच दर्शकों से भरा हुआ मैदान। अच्छा शॉट, कड़ा का शॉट, चपाटा शॉट, डाबर गई है वो 9 गेंदे, और 9 गेंदों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है एसीसी का 13 रन। अभी भी जो सीएसईबी टीम है, ओ क्या पहला छक्का हो सकता है इस मैच का,
अंपायर जब बार खान जी तीसरे अंपायर का सहारा लेते हुए और बहुत ही जल्द इशारा आने वाला है और छह रन आधा दर्जन रन अर्जित करती हुई एसीसी के बल्लेबाज और पहला छक्का जड़ते हुए बल्लेबाज लकी। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई, काफी हवा हवाई शॉट हमें दसवीं गेंद पर देखने को मिली और आपके दिशा पर मारा हुआ यह डाबर च्यवनप्राश छम्मक छलो छह रन। और इस बार लगातार जानदार शानदार हमें बाउंड्रिया देखने को मिलती हुई डाबर च्यवनप्राश चौका कनेक्टिंग एसीसी। ऊपर अभी भी विकेट का खाता नहीं खुला है, 18 और एक अतिरिक्त के सहारे इस ओवर में अब तक के गेंदबाज ने 19 रन जो है खर्च कर चुके हैं, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ प्रतीक। यॉर्कर लाइन की गेंद, बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छी गेंद हमें देखने को मिली प्रतीक के द्वारा, ओवर की समाप्ति आती हुई और दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर जाता हुआ 24 रनों पर। और एसेट गराज करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान, हर्ष हेवंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड सरकंडा बिलासपुर, संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgaraj.com पर। डेली डोज बेक हाउस पैशन एंड प्रोसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाए सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स व्यापार विहार बिलासपुर, कॉन्टैक्ट 9634891186। हमारे दूर वाले छोर से और मुख्य अंपायर हमारे बड़े भैया राय जी हमें इशारा देते हुए पहली गेंद तीसरी ओवर की और वन बाउंस का इशारा आता हुआ, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सैनी, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है एसीसी। मैं बता दूं छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के बहुत सारे खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं और इस बार क्या फायदा उठा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो बाउंड्री आनी थी इस गेंद पर पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए सैनी के, कोई ऐसी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सैनी। और अच्छे फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए उन्होंने 3 रन बचा लिए हैं। और इस बार हवा हवाई जानदार शानदार डाबर च्यवनप्राश छम्मक छल्लो छक्का और आधा दर्जन रन एकत्रित कर लिए हैं बल्लेबाज ने और घुमाने का प्रयास, कंधे से जा टकराई है गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ भरी हुई गेंदबाजी, चतुराई भरी हुई गेंदबाजी और रन लेना चाहते थे यहां बल्लेबाज, मना किया नॉन स्ट्राइकर पर खड़े बल्लेबाज ने सैनी जी ने और स्कोर 6 रनों के सहारे जा पहुंचा है 31 रनों पर एसीसी 11, जबकि तीसरा ओवर अभी भी गतिमान है। और अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी गेंदबाज विवेक के द्वारा, बिल्कुल अपने विवेक का उन्होंने यहां प्रयोग किया और 49 नंबर जर्सी पहने हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाज को बीट कराते हुए और इस बार लेग की दिशा पर घुमा दिया है बल्लेबाज ने, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस बार प्रहारक छोर पर आ गए हैं 37 नंबर जर्सी पहने, ओवर की समाप्ति माफी चाहूंगा 3 ओवरों की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर एसीसी क्रिकेट टीम का स्कोर जा पहुंचा है
32 रनों पर। करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान, हर्ष हेवंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड सरकंडा बिलासपुर, संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgarage.com पर। उनका मैं आयोजन समिति की ओर से आभारी हूं, साथ ही साथ आज के हमारे मुख्य एम्पायर बड़े भैया रितेश राय जी और जब्बार खान जी का भी मैं आभारी हूं। विगत 10 वर्षों से वे लगातार हमें यह प्रतियोगिता में हमारे हमें सेवा जो है प्रदान कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लगातार और निरंतर। उनकी एम्पायरी भी काफ़ी उच्च श्रेणी की होती है। चौथा ओवर लेकर के आते हुए गेंदबाज और पहली गेंद, प्रयास कर रहे थे रिवर्स का लेकिन नाकामयाब होते हुए बल्लेबाज। अभी अभी दोस्तों हमें आकाशवाणी से सूचना प्राप्त हुई है कि आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य पहुना हमारे आदरणीय पंकज कुमार जैन जी का आगमन हो चला है। मैं आपका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और लेके दिशा पर घुमा करके स्ट्राइक चेंज करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी अब तक के गेंदबाज के द्वारा हमें देखने को मिली है। दो गेंदें फेंकी गई है, एक रन खर्च किया है, तीन बॉल। अच्छी गेंद पुश करके रन लेने के लिए प्रयास करते हुए रन आउट का मौका बनता था लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग स्लो रही। निश्चित तौर पर रविंद्र जडेजा की तरह फील्डिंग करनी होगी सीएसईबी के खिलाड़ियों को। अभी तक के विकेट का जो खाता है नहीं खुल पाया है और संघर्ष कर रहे हैं कप्तान साथ ही साथ गेंदबाज। और अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और रिवर्स के सहारे डाबर चमर प्लास चमक, चलो 6 रन। ऐसा लग रहा था कि गेंद तोड़वा में फिर से प्रयास कर रहे थे रिवर्स का। फुल टॉस गेंद थी, यदि लेग की दिशा भी मारना चाहते तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बाउंड्री आ सकती थी। और हमारे मुख्य अंपायर आदरणीय जब्बार खान जी का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति का। और 4 ओवरों की समाप्ति पर एसीसी क्रिकेट टीम का स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। और अभी भी विकेट का खाता जो है सीएसईबी ने नहीं खोल पाई है, जबकि 4 फैशन एंड प्रोसीशन सबसे फ्रेश और टेस्टी पाए सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स व्यापार विहार बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। निशा डेली नीड्स संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे ऑपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज रायपुर रोड बोदरी बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाए अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3-स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ चीत कॉन्टिनेंटल रविन्द्रनाथ टैगोर चौक बिलास। और पहली गेंद उठा करके मार दिया गया है हवा हवाई। छक्का जड़ दिया है लकी ने, बिल्कुल एसीसी के लिए लकी साबित होते हुए। और पुनः उसी दिशा पर मारा हुआ हवा हवाई शॉट फील्डर के पहुंच से काफी दूर, बिल्कुल 50 रन पूरे होते हुए एसीसी के। जोरदार तालियों से स्वागत करें लकी और उनकी टीम का।
और 20 गेंदों पर 50 रन पूरा कर लिया है लकी ने। जोरदार तालियों से स्वागत करें दर्शकगण। और काफी तेज शॉट, ऐसा लग रहा था क्या साक्षात वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर पड़े हैं। और 50 से ज्यादा का स्कोर अपना व्यक्तिगत बना चुके हैं लकी। बिल्कुल 49 की जर्सी पहनी है लेकिन उनका व्यक्तिगत स्कोर जो है 50 से आगे निकल चला है। और इस बार फिर क्या दर्शक कैसे ले पाएंगे बिल्कुल लेते हुए। निश्चित तौर पर धराशायी कर दिया है यहां पर बल्लेबाज लकी ने। ऐसा लग रहा है कि डावर चमन प्रास खा के आए हैं लकी। और इस बार बिल्कुल विवेक, अपना विवेक का प्रयोग करते हुए और एसीसी के खिलाड़ियों का चुस्ती और स्फूर्ति का राज डावर चमन प्रास। और हवा हवाई शॉट, पुनः बिलासपुर की ओर जाती हुई गेंद 36 मोल पर जाकर के गिरी है। महामाया केटरिंग, शादी पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। संपर्क करें 8109592। थोड़ा गुदगुदाए, हंसाए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाए आदरणीय खान साहब। धन्यवाद सुनील सिकारी जी। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति रात्रिकालीन अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के 11वें वर्ष में। आज का यह मैच जो हो रहा है, बल्लेबाजी आतिशी हो रही है, रन बल्ले से बन नहीं बह रहे हैं। वसंत का यह मौसम है और इस मौसम में लगभग मैदान के चारों ओर आक्रामक बल्लेबाजी की है बल्लेबाज लकी ने। ओवर पूरे हुए 5 रन बने हैं, 69 रन औसत है 13.80 का, 5 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। देखना है 183 रन जो इस वर्ष इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर रहा है इसे आज तोड़ पाएगी या नहीं। हम आप सभी दर्शकों का, अतिथियों का, खिलाड़ियों का आमद को खुशामदीद करते हैं। स्वागत, वंदन और अभिनंदन स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली गेंदबाजी में सुधाकर है गेंदबाज, गेंद को दिशा दिए गेंद डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है मौजूद, मौका सिरे में परिवर्तन का 1 रन लेने का। और इन 1 रनों के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 70। प्रहारक छोर पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज लकी है मौजूद, सामना करेंगे सुधाकर की गेंदों का। सिक्स, बेहतरीन बल्लेबाजी आज दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर रहा। उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2023 के गौरवशाली 11वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। आज ये प्रतियोगिता का छठवां दिन, छठवें दिन में खेले जाने वाला प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच जो कि खेला जा रहा है सीएसईबी 11 बनाम सन रियल स्टेट के बीच। पगबाधक की अपील और अंपायर के द्वारा
LBW आउट दिए गए हैं। बल्लेबाज ने रिव्यू लेने का फैसला किया। थर्ड अंपायर के लिए आता हुआ निर्णय, दर्शक हम बता दें जब गेंदबाजी में सुधाकर आते हैं तो आपने एक चीज माइंड किया होगा या आप नहीं किया तो माइंड जरूर कीजिएगा, सुधाकर की गेंदबाजी एक्शन हो बहु इरफान पठान को मिल खाती है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इसके पहले गेंद में एक मौका रहा था, गेंद काफी ऊपर उठी थी, फील्डर मौजूद थे, गेंद को जज नहीं कर पाया। हो सकता है कि इस फ्लड लाइट की रोशनी उनके आंखों में आई, आंखें चौंधिया गई और एक जीवनदान मिला था। दूसरी ही गेंद में पगबाधा आउट किया है, यह निर्णय अंपायर का रहा है। इस वक्त रिव्यू लेने का फैसला किया। आयोजन समिति ने थर्ड अंपायर की व्यवस्था की है और इसके तहत आयोजन समिति के संरक्षक और हमारे आदरणीय ईशान भंडारी निक्कू भाई थर्ड अंपायर की भूमिका में अब अपने भूमिका का निर्वहन करने के लिए आते हुए हम दर्शकों को बता दें, प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि अरुणाचल का यह क्षेत्र किसी भी प्रतियोगिताओं से महरूम रहा है, अर्थात कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती, और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि अरुणाचल का यह क्षेत्र मध्य भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी जोरदार ताली बजाएंगे। 4 लाख रुपए नगद की धनराशि और विजेता कप की चमचमाते हुई ट्रॉफी उप विजेता टीम के लिए इनाम में रखा गया है। 1,30,000 रुपए अर्थात 6 अंकों की धनराशि और उप विजेता कप की चमचमाते हुई ट्रॉफी। जहां तक सवाल मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी के लिए 2 व्हीलर, मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर के लिए 2 व्हीलर, बेस्ट बल्लेबाज के लिए सेहत बनाइए, स्पोर्ट्स साइकिल चलाइए, साइकिल है। दर्शक इस मैच का जो गेंद हुई थी उसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि गेंद किस तरह से की गई थी, गेंद कहाँ पे जा रही थी। थर्ड अंपायर से बराबर जज कर रहे हैं, उनके निर्णय का है इंतजार। हमारा सफर जो शुरू हुआ था पहले वर्ष में, अब हम पहुंच चुके हैं 11वें वर्ष में और थर्ड अंपायर का निर्णय अंपायर के साथ ही रहा है। लक्की की पारी का हुआ है अंत और यह विकेट जाता रहा है। पहला विकेट गंवाया है एसीसी सन रियल एस्टेट बिलासपुर की टीम ने। स्थायी चेयरमैन लोक अदालत के श्री श्रीमान पंकज कुमार जैन जी हमारे बीच उपस्थित, आयोजन समिति के संरक्षक श्री सुरेश सिंह गौतम जी। इस वक्त बिलासपुर उपस्थित अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष श्रीमान भरत लुनिया जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभ्युदय कांत एक बहुत बड़ा नाम बल्लेबाजी के लिए, खूबसूरत प्रहार, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, जैसा अपना नाम वैसी बल्लेबाजी, 4 रन के साथ खाता खोल। अभ्युदय कांत गोल्डी अलग अलग टीमों से अपनी सेवाएं दी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत बड़ा नाम। आज के अतिथिगण दोनों ही अंपायरों से, हम दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। श्रीमान पंकज कुमार जैन जी, स्थायी चेयरमैन लोक अदालत, श्री सुरेश गौतम जी, श्री भरत लुनिया जी, अतिथि देवो भवा, यह संस्कार हिंदुस्तान की, यह संस्कार छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की, और यह संस्कार स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति विनीत कप 2023 की। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री पंकज कुमार जैन जी, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बिलासपुर, स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री सुरेश सिंह गौतम जी, सदस्य लोक अदालत बिलासपुर। श्री भरत लोनिया जी, कोषाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर। और इसके अलावा स्वागत, हम आपके आमद को खुश आमदीद कहते हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन आप दर्शकों का। दोनों अतिथियों का आना हो रहा है, दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएं। अतिथियों का जब आना हो एक शिष्टाचार का परिचय दें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथियों का स्वागत करें।
एक परंपरा रही है और अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ही टीमें स्वागत करेंगी हमारे अतिथियों का। स्वर्गीय श्री उषा देवी भंडारी का यह सफर जो शुरू हुआ था सरकंडा कन्याशाला के मैदान से, आज हम मौजूद हैं मध्य भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल प्रतियोगिता में हम मौजूद हैं। तरह से डीजे वाले भाई अतिथियों का परिचय के बाद अब हो रहा है वापसी। मैच वापस अपने लाइन पे आती हुई, 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, रन बने हैं 88.14.78 का रन औसत, 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। लक्की इस पूरी रनों में अगर देखा जाए तो एक तरफा अपनी टीम की ओर से रन बनाए हैं। लक्की ने गेंदें खेली 24, रन बनाए 76, जहां तक सवाल छक्के उनके पारी में लगे थे 8। अपना कोटे का दूसरा और पारी के 7वें ओवर लेकर आ रहे हैं दिनेश। दिनेश की गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर बल्लेबाज हरप्रीत सैनी। दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीत दर्ज कर थी और अच्छी गेंद सम्मान दिया इसे खेला डीप लॉन्ग ऑफ के लिए। फील्डर है मौजूद, मौका एक रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का और इन एक रनों के साथ स्कोर 89 पहुंचता हुआ एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में है गेंदबाज दिनेश। अपना कोटे का दूसरा, पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच ही जो ऑन चल रही पारी, गेंद काफी देर हवा में थी, नो मेंस लैंड के स्थान पर गिरी, वन बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में। जब तक गेंद फील्ड की जाती मौका रहा है सिरे में परिवर्तन का, एक रन पूरा करने का 90 पहुंचता हुआ योग। 8 पारी का ओवर गतिमान 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। बल्लेबाजी में प्रहारक छोर पर सैनी हरप्रीत सैनी। कमजोर गेंद और अतिथियों का सम्मान सीधे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 96 रन। ऐसा कोई भी ओवर नहीं। इनके रूप में 96 रन
और पुनः उसी ओर खेला गया स्ट्रोक। फील्डर है मौजूद, मौका एक रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। इन एक रनों के साथ रन बने हैं 97, विकेट गिरे हैं 1, ओवर गतिमान 7। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की गौरवशाली 6वीं रात्रि पहला मैच। बेहतरीन प्रयास किया था पर गेंद मिड विकेट के बाहर, 100 रन पूरे कर चुकी है एसीसी रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम। U6 जैसा हम बता रहे हैं, अभ्युदय का महेंद्र जेमसन ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने बुधवारी बाजार बिलासपुर। संपर्क करें 9755099000 या फिर 9174777747। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आए पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869। मैं आयोजन समिति के मयंक सिंह गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री पंकज कुमार जैन जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शानुल खान जी से अनुरोध है, पंकज कुमार जैन जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से अनुरोध है कि श्री सुरेश सिंह गौतम जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से अनुरोध है कि श्री भरत लुनिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन पारी खेलकर अपने उनके पारी को समाप्त किया धीरज ने। विकेट जाता रहा, धीरज की गेंद काफी ऊपर, गेंद हवा में आई, रुक गई थी, गोल्डी रहे। आउट होने वाले खिलाड़ी भूपेंद्र ने केज को लपकने में कोई गलती नहीं की, इस तरह से दूसरा विकेट गंवाया है एसीसी सन रियल इस्टेट की टीम ने। और रन बने हैं 110, ओवर हुए हैं 7 पूरे, 8वां ओवर गतिमान, 7 ओवर 110 रन, 3 ओवर की गेंदबाजी है और रानी देखना इन बाकी बचे हुए 3 ओवरों में 18 गेंदों में। बल्लेबाज के नाम क्या भाई? राकेश है नए बल्लेबाज। गेंद आई फील्डर के वन बाउंस संभवतः हो चुकी थी, अच्छा प्रयास किया था, गेंद हवा में थी, एक रन लेने का मौका रहा है। स्कोर 111 रन पहुंचता हुआ, ओवर गतिमान 8वां, 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। खूबसूरत प्रहार, गेंद खेला कवर की ओर, फील्डर है वहां पर मौजूद, पहले प्रयास में गेंद चूकी, दूसरे रन के लिए निकल पड़ेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के मध्य 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोर 113, 113 रन, ओवर गतिमान 8वां। अब इस ओवर में रनों की रफ्तार में कुछ अंकुश लगी है, इसके पूर्व आक्रामक बल्लेबाजी हुई थी, रन बल्ले से बन नहीं बह रहे थे। 6 रन का इशारा, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, हरप्रीत सैनी के बल्ले से निकला हुआ यह 6 रहा है, योग पहुंचता हुआ 119, 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर गतिमान। धीरज है गेंदबाज, हरप्रीत सैनी है बल्लेबाज, 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। खूबसूरत स्टेट ड्राइव, फील्डर है मौजूद, एक रन ही लेने का मौका होगा और एक रनों के साथ 120 पहुंचता हुआ योग। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए 8 रन बने 120, बैटिंग पावर प्ले संभवतः अब 100 में लागू हो जाएगा। 10
फील्डर केवल तीन ही बाहर रहेंगे। गेंदबाजी में सुधाकर के एंड को बदला गया। सुधाकर इनसे पहले हालांकि गेंदबाजी अच्छी की थी पर सफलता तो कम मिली थी, रन काफी बने थे। यह 9वें ओवर की गेंदबाजी, रन बने हैं 120 दो ओवर की गेंदबाजी और रनी है। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, हरप्रीत सैनी है प्रहारक छोर पर, अप्रहारक छोर पर है बल्लेबाज राकेश। रन बने हैं 120, 9वें ओवर की गेंदबाजी। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष। बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, पूरी तरह गेंद बल्ले पर नहीं है, विकेट से निकल कर आए। विकेट कीपर गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन की संभावनाओं को समाप्त किया। जहां तक सवाल विकेट के पीछे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं मनीष। पटकी हुई गेंद सही नसीहत, हरप्रीत सैनी के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का रहा है। 6 रन 126 पहुंचता हुआ योग विकेटों का। जहां तक सवाल, केवल दो ही बल्लेबाज हेलो आयोजन समिति के बड़े भाई शानुल खान जी, बड़े भाई मुशर्रफ खान जी भी मौजूद है आयोजन समिति की तरफ से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2023 11वां गौरवशाली वर्ष, आप सभी आए हुए दर्शक भाइयों बंधुओं क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह विकेट जाता रहा है, तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा। जिस तरह हम बता रहे हैं सुधा, आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी मंच पर आएंगे। आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी, ग्यारहवें वर्ष में इस वर्ष आप सभी हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube पर लाइव देख सकते हैं, विनीत कप 2023 सर्च कर माध्यम से। अच्छी गेंदबाजी, विकेट हासिल की हरप्रीत सैनी की, ओवर गतिमान है 9वां। बेहतरीन गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद आई विकेट कीपर मनीष के दास्तानों। हेलो राशिद भैया, मैं आयोजन समिति के प्रमुख ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस मैच का लुत्फ उठा रहे मुख्य अतिथि श्री पंकज कुमार जैन जी, अध्यक्ष स्थायी एवं जिला लोक अदालत का स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने अपने बिजी दिनचर्या से अपना बेसकीमती समय निकाला व आयोजन समिति का उत्साह वर्धन किया। मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह सुरेश सिंह गौतम जी का स्मृति चिन्ह प्रदान करके आभार व्यक्त करेंगे। आप सभी आए हुए मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ उषा मेडिकोज, नया सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़। रन बने हैं 127, जब लक्की बल्लेबाजी कर रहे थे तो यूं प्रतीत हो रहा था कि आज यह एसीसी रियल सन रियल इस्टेट की टीम 183 रनों के रिकॉर्ड को पार कर देगी, पर उनके जाने के बाद कुछ उम्मीद जगाई थी अभ्युदय कांत ने, इसको हालांकि काफ़ी अच्छे बने हैं पर जिस लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही थी यह टीम, अब उस लक्ष्य से काफ़ी पीछे आ चुकी है। 127 रन बने हैं, ओवर हो रहे हैं 9, अंतिम ओवर की गेंदबाजी आनी है। 9वें ओवर में केवल 7 रन ही खर्च हुए थे। प्रतीक
प्रतीक हैं गेंदबाज। प्रतीक की गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर सिराज। और यह आसान सा मौका गंवाया है, गेंद हवा में थी, सीधे फील्डर के गदलियों पर आई, पर हालांकि काफी दूर से दौड़ लगाई थी, यह जीवन दान मिला। एक रन का इजाफा हुआ, 128 पहुंचता हुआ योग। प्रहारक छोर पर राकेश सामना करने के लिए तैयार प्रतीक की गेंदों का। व्हाइट बॉल का इशारा आया। आज हमारे बीच अंपायरिंग के दायित्व को निभा रहे हैं श्री रितेश राय जी, जब्बार खान जी। ये ऐसे अंपायर हैं जो पहले वर्ष से लेकर लगातार अपनी सेवाएं हमें दे रहे हैं। अच्छी गेंद खेला ऑन साइड में, फील्डर है मौजूद, मौका एक रन लेने का, और इन एक रनों के साथ रन संख्या अब पहुंची है 129 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है, यह गेंदबाजी है 10वें ओवर की प्रतीक सिराज के लिए। इस ओवर में सराहना करनी होगी प्रतीक की गेंदबाजी की, किसी भी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को, और इन एक रनों के साथ रन संख्या अब पहुंची 130 रन। ओवर चल रहा है, अंतिम ओवर की गेंदबाजी है जारी। अच्छी गेंद, फिर पुनः खेला है ऑन साइड में, एक रन ही लेने का मौका, इन एक रनों के साथ रन संख्या 131 रनों पर पहुंचती हुई, 131 रन, विकेट गिरे हैं 3, ओवर पारी का गतिमान है या अंतिम आज की रात्रि का या पहला मैच, पहले मैच की पहली पारी के अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रन बने हैं 131, विकेट गिरे हैं 3, एक रन लेने का मौका, स्कोर 132 पहुंचता हुआ, 132 for 3 विकेट्स। पहली पारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद अब आनी है, सराहना करनी होगी प्रतीक के इस ओवर की, कसी हुई गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। डॉट बॉल के साथ ही पहली पारी समाप्त हुई, ओवर की हुई समाप्ति, रन बने हैं 132, लक्ष्य 133 रनों का। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेस, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क, आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग, टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com। मैं हार्दिक स्वागत करत हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करत हूँ, गाड़ा गाड़ा जोहार करत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ, जौन आप मन अपन बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हवा, और आप मन के लिए चंद लाइन कह लो चहु संगवारी हो। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हम जो आप इस मैच के मेहमान हैं। आदरणीय पंकज कुमार जैन जी, अध्यक्षता लोक अदालत बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बड़े भैया श्री सुरेश सिंह जी, गौतम जी स्थाई लोक अदालत, और साथ ही साथ इस मैच के मुख्य अतिथि आदरणीय भरत लोनिया जी, कोषाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर की गरिमामय उपस्थिति में आज छठवें रात्रि का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, और एसीसी ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मैं बता दूं दो
प्रायोजक है पूर्णा ट्रेडर्स, रेट गिट्टी छड़ के सप्लायर। आपको फोन करना होगा पूर्णा नंद चंद्रा जी को, साथ ही साथ सह प्रायोजक है इस मैच के। ऑल योर क्रेविंग्स एट जीरो डिग्री, खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल, बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड बिजनेस पार्क अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891186। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हा कहिए, नशे को ना कहिए। असेट गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड सरकंडा बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgaraj.com पर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907। खेल परिसर बिलासपुर की पावन धरा पर जहां खेला जा रहा है विनीत कप 2023 का छठवीं रात्रि का आज पहला मुकाबला और अहम मुकाबला। एसीसी क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी की है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए हैं और सीएसईबी के लिए 133 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया है। मैं बता दूं एसीसी 11 की ओर से अभ्युदय कांत सैनी और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं बता दूं रणजी खिलाड़ियों से सुसज्जित यह एसीसी क्रिकेट टीम जो अहम मुकाबला खेला जा रहा है सीएसईबी के लिए, और हमारे जब्बार खान जी का इशारा आता हुआ स्कोरर, हमारे साथी आर्यन दुबे जी का भी इशारा, हरी झंडी मिलती हुई और पहला ओवर लेकर के आते हुए 9 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज तिलेश। और पहली गेंद उठा करके मार दिया है, पहली गेंद पर पहली सफलता, निश्चित तौर पर एसीसी के लिए फटाके फोड़ने का मौका यहां मिलता हुआ। बिल्कुल फुलझड़ियां फूटती हुई, जलती हुई, उत्साह नजर आता हुआ एसीसी के खिलाड़ियों में। और पहली ही गेंद पर पहली सफलता मिलती हुई यहां 9 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज तीर। राकेश जा रहे हैं हौले हौले कदमों से और सीएसईबी के छोटे भाई जॉन्टी नगोत्रा मंच पे आकर संपर्क करेंगे। जॉन्टी नगोत्रा, बिल्कुल हमारे भाई जॉन्टी नगोत्रा जी से आग्रह, आप तक हमारी आवाज जा रही है तो मंच के पास जाकर के बड़े भैया से संपर्क करेंगे और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सीएसईबी को यदि मुकाबला जीतना है तो। और
और इस अतिरिक्त का खाता खुलता हुआ हमारे आज के मुख्य अंपायर जब्बार जी के दोनों हाथों को समानांतर रेखा पे करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए 9 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स की ओर से काफी लंबी दौड़ लगाते हुए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और जोरदार अपील करते हुए पैरों से जा टकराई थी गेंद, काफी तेज गति की गेंद, निश्चित तौर पर लेग बाई का इशारा आता हुआ हमारे मुख्य अंपायर जी को और अतिरिक्त का सहारे स्कोर जा पहुंचा है। अब सीएसईबी का स्कोर पहला विकेट के नुकसान पर 2 रनों पर। और अच्छा मुकाबला, अहम मुकाबला, जानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला, आप इस मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं यूट्यूब पर। अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, मैं कहूं तो अब तक के इस मैच की सबसे अच्छी गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी स्टंप को मिस करती हुई। निश्चित तौर पर एक और ताबड़तोड़ झटका लग सकता था सीएसईबी को, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सीएसईबी को मुकाबला जीतना है तो। 133 रनों का स्कोर। और अपील करते हुए गेंदबाज, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, और निश्चित तौर पर बॉल हो गए हैं, गिल्लियां उड़ गई है यहाँ, और अच्छा गेंद फेंके रही से गोड़े कति बर्तनी आगे फेंके रही से खुबिया के प्रयास कर रही से प्रतीक्षा नाकामयाब हो गए संगवारी हो, एक गेंद आउट आउट हो गई हवा और मैं मुला लगा थे कि सीएसईबी के बल्लेबाज मतलब बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे पढ़ी यदि यह मुकाबला जीतना है तो, ऐसा लुहुर तुहुर गेंदबाज बल्लेबाजी कर ही तो निश्चित तौर पर 133 रन के आंकड़ा ला प्राप्त नहीं कर पाई संगवारी हो। और एक अधिपत पोले पोला निकाल दे स्लिप ऑफ पॉइंट के बीचों बीच गेंद निकलते हुए डाबर चमन प्राश चौका कन महामाया केटरिंग, शादी पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर, संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्सन ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा बिलासपुर, संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स राजा फैंसी स्टोर के सामने बुधवारी बाजार बिलासपुर, संपर्क करें 9755099000। तिलेश फेंके रही से ओकर द्वारा बहुत अच्छा गेंदबाजी, दू संगवारी ला घर बैठा दे है वह संगवारी हो और 6 रन बना चुके हैं सीएसईबी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेला पड़ी यदि अपन टीम ला जिताना है तो। और पहली गेंद पटकी हुई गेंद, हमारे मुख्य अंपायर रितेश राय जी के इशारा वाइट के आते हुए अपन हाथ ला समानांतर रेखा में करे के सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए गेंदबाज और स्कोर संगवारी जा पहुंचे हैं वाइट के सहारा 7 रन में। फिर पटकी हुई गेंद, सफलता बल्लेबाज को बिल्कुल नहीं मिली, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है काफी हावी हो रहा है, मानसिकता थोड़ी जो है दबाव बना रही है अब सीएसईबी के बल्लेबाजों के ऊपर में, निश्चित तौर पर सिंगल डबल से कुछ नहीं होने वाला है, गगन भेदी आसमानी छक्के या चौके जड़ने होंगे। और लेग की दिशा पर घुमा दिया गया है बल्लेबाज के द्वारा, बहुत समय के बाद यह एक रन आता हुआ बल्ले से जा पहुंचा है अब स्कोर 8 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर दूसरा तीसरा दूसरा ओवर गतिमान
हमारे और इस बार हवा हवाई शॉट दूर 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 क्या बहुत दूर जाएगी, निश्चित तौर पर 100 किलोमीटर में जाके उदा पर। और क्या बात बहुत अच्छी। राजो को और बहुत अच्छी फील्डिंग, एक रन के सहारे अब स्कोर जो है बढ़ता हुआ 15 रनों पर जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज के द्वारा, निश्चित तौर पर इन स्विंग गेंद हमें देखने को मिली। अक्सर हम भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की तरह गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इसकी पहली गेंद पर शानदार फील्डिंग की गई थी फील्डर के द्वारा, पुनः पटकी हुई गेंद थी, फील्डर मिड वहां पर खड़े हुए और निश्चित तौर पर सफलता। और एसीसी को यह मिलने वाली तीसरी सफलता और गेंदबाज अपडेट करा लेंगे, आपके खाते पर ट्रांसफर कर दी जाएगी आदरणीय खान साहब। धन्यवाद भाई। 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी, रन बने हैं 15, 8 ओवर की गेंदबाजी आनी है, 48 गेंदें आनी है और इन 48 गेंदों में जीत के लिए रन बनाने हैं 118। काफी विशाल लक्ष्य है पर मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गेंदें आनी है 48, हमने इस मैदान पर देखा है काफ़ी बड़े बड़े रन का लक्ष्य पीछा करते हुए। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, संभावनाएं दोनों ही टीमों के लिए बनी हुई हैं। जैसा हम आपको बता रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट बिलासपुर में बहुत बड़ा नाम, यह नाम रहा है अभ्युदय कान गोल्डी, अपना कोटे के लिए गेंदबाजी में अपने आप को लगाया है। संभवतः अपने टीम के दलपति दलनायक कप्तान भी हैं, अपना कोटे का पहला और पारी के तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं अभ्युदय कांत। उनकी गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर बल्लेबाज प्रतीक को आज अपना प्रतीक छोड़ना ही होगा, अर्थात गेंदें आनी है 48, रन बनाने हैं 118। अच्छी गेंद, इसे कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है ऑन साइड के लिए। फील्डर आते उठाते गेंद को फील्ड करते, मौका रहा है 2 रन पूरा करने का। इन 2 रनों के साथ रन बने हैं 17, रन अब बनाने हैं 116, गेंदें आनी है 47। 47 गेंद 116 रन, ये समीकरण आज इस जिला खेल परिसर के इस मैदान पर बन रहे हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति रात्रिकालीन अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, मध्य भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता, 4 लाख रुपए नगद की धनराशि वाली प्रतियोगिता। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बैक टू बॉलर खेला गया, स्ट्रोक फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया है अभ्युदय कांत गोल्डी ने, रन की संभावनाओं को समाप्त किया। गेंदें आनी है 40, रन बनाने हैं 116।
अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभ्युदयकांत गोल्डी। जैसा नाम वैसा ही काम, अपने नाम को चरितार्थ किया है अभ्युदयकांत ने। अच्छी गेंद रही है, पहले स्लीपर खेला गया, स्ट्रोक फील्डर है मौजूद। फील्ड की जमावट इतने बेहतरीन की गई है कि गेंद बल्लेबाज वहीं खेल रहा है जहां गेंदबाज खिलाना चाह रहा है। पूरी तरह से मैच पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा हुआ है एसीसी सन रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम ने। खूबसूरत प्रहार, गेंद को खेला डीप लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर है मौजूद। मौका सिरे में परिवर्तन का, एक रन लेने और एक रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 18 रनों पर। जीत के लिए 115 रन और बनाने हैं इस ओवर के बाद। 7 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। मैच अगर आंकड़ों पे देखा जाए तो लगभग 80 और 20 के अनुपात में क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल हमने देखा है, एक पैसे के मैच को भी पलटते हुए। U6, इस तरह की ही बल्लेबाजी करनी होगी। बेहतरीन छक्का, कलात्मक कलाइयों के सहारे से इसे मोड़ा है और रन लेना चाहते थे, भाग्यशाली रहे हैं, अपने कदम वापस पीछे। रन आउट की अपील, अंपायर ने इसे नकारा है। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए हैं, 3 रन बने हैं 24, 3 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति ओवर का है रन औसत। 7 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, 42 गेंदें आनी है जीत के लिए रन बनाने। सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आए पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869311311। है रन बनाने हैं 109, 42 गेंदे 109 रन। गेंदबाजी में अभिजीत सिंह ठाकुर, अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद खेलना चाहते थे, चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ है। 41 गेंदें आनी है, 109 रन बनाने हैं। मैच पर अपनी गिरफ्त धीरे धीरे एसीसी सन रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम मजबूत करती हुई। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला डीप लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर है मौजूद। एक रन लेने का मौका, वक्त का तकाजा है तूफान के साथ चलो, वक्त का तकाजा है कि तूफान के साथ चलो। कहां तक चलोगे किनारे किनारे, सिंगल और डबल आपकी नैया को पार नहीं ले जा सकती। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, चौके और छक्के ही आपके मंजिल को आसान करेंगे। सम्मान दिया, खेला ऑन साइड में, डिग लॉन्ग ऑन पर, फील्डर है मौजूद। एक रन लेने का मौका, मौका सिरे में परिवर्तन का, 4th ओवर है, गतिमान, रन बने हैं 26। जीत के लिए 107 रन और बनाने हैं इस ओवर के बाद। 6 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। आज प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 6वीं रात्रि है। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जिला खेल परिसर के मैदान में। गेंद काफी देर हवा में थी, नो मेंस लैंड के स्थान पर गिरी, काफी हालांकि फील्डर ने काफी अच्छा प्रयास किया, काफी दूर से देखा परखा, उन्हें लगा गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे तो अपने कदम रोके और गेंद के गिरने का इंतजार किया। एक रन लेने का मौका रहा, स्कोर पहुंचता हुआ 27, 106 रन और बनाने इस ओवर के बाद। 6 ओवर की गेंदबाजी और आनी।
33 बने हैं, 100 रन और बनाने हैं और हमने रन बनते हुए देखा है इस मैदान पे। ओवर की समाप्ति हुई, ओवर पूरे हुए हैं, 4 रन बने हैं 33, 6 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, अर्थात गेंदें आनी है 36, रन बनाने हैं 100, 16.81 रन प्रति ओवर के रन औसत रन बनाने होंगे। उषा मेडिकोज आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक लड़का जो जवानी के हिसाब से ना हम लोग उम्र का असर जितना कंटिन्यू बोल सकते हैं इसमें खूब बोले लाउड कम बोल थोड़ा होता है जोश होता है ना इतना बड़ा मंच मिलना मजाक है क्या। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है, बेहतरीन स्ट्रोक, कलात्मक स्ट्रोक कही जा सकती है, 4 रनों के लिए कवर बाउंड्री को चीरती। छियानवे रन 35 गेंद, नो बॉल का इशारा आया है, फील्डर आते उठाते गेंद को फील्ड करते मौका रहा, 2 रन मिले, फ्री हिट का इशारा आया, जीत के लिए रन बनाने हैं 94 गेंदें यानी है 35, 35 गेंद 94 रन। धीरज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्री हिट, खूबसूरत स्ट्रोक पर फील्डर है वहां पर मौजूद, 1 रन ही लेने का मौका, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए धीरज और 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 42 रन, जीत के लिए माफ कीजिए 40 रन, जीत के लिए 93 रन और बनाने। गेंद को उठा दिया है, हवा में है और अभ्युदयकांत गोल्डी ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को केज को लपकने में कोई गलती नहीं की, चौथा विकेट जाता रहा है सीएसीबी बिलासपुर की, चौथी सफलता हासिल हुई है एसीसी सन रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम को। फाइनल किसका किसका हुआ था? भोपाल चैंपियन के साथ। मैच किसका किसका था? चैंपियन और भोपाल का। तो फाइनल में तो कौन जीता था? चैंपियन, उसका सपना पूरा हुआ है, प्रिंस भाटी बाहर खड़ा था, आ ही नहीं रहा था अंदर, मैनेजर जब बोला ना फाइनल होने के बाद तब एक घंटा मैच रुका था सेट होने के, लास्ट में भैया चिड़चिड़ा पहुँच चुका, बोले भागना है भागो फिर बैन करवा दूंगा यहाँ, बोले सेट बोले पैसा पूरा मैनेज हो गया ना, नहीं 5-4 साल बैन होने के बाद एंट्री मिला था, बैन होने के 1 साल तो पहले ही राउंड में बाहर हो गया, फिर पिछले इसके पिछले साल जीता है। अच्छी गेंद खेला है ऑन साइड में, फील्डर डिप लॉन्ग ओवर पर मौजूद, मौका 1 रन लेने का सिरे में परिवर्तन का और इन 1 रनों के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 41 रन, जीत के लिए 92 रन और बनाने हैं, इस ओवर के बाद 5 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। पूरा ट्रॉफी उसके विनीत कप की प्राप्ति अपने घर में देखने लक्ष्य
अच्छी गेंद सम्मान दिया, खेला ऑनसाइड में, पुनः एक रन लेने का मौका और इन एक रनों के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 42 रनों पर। जीत के लिए 91 रन और बनाने हैं। ओवर, इस ओवर के बाद 5 ओवर की गेंदबाजी आनी है। मैच पर पूरी तरह अपनी गिरफ्त को कसा हुआ है एसीसी सन रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम ने। भूपेन के बल्ले से निकला हुआ यह 6 रन रहा है। ओवर 6 की 4 अंपायर बताएंगे। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी तो आ जाए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेस, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com पर। 5 ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 46। 5 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, 30 गेंदें आनी है। जीत के लिए रन जो बनाने हैं वह बनाने हैं 87 रन। वाइट बॉल का इशारा आया, एक रन का हुआ है इजाफा, रन संख्या पहुंचता हुआ 47 रनों पर। 86 रन और बनाने हैं, 30 गेंदें आनी है, 30 गेंदें फेंकी जानी है। गेंदबाजी में इस वक्त प्रहारक गेंदबाज हैं अतुल। अतुल का सामना करते हुए धीरज, अच्छी गेंद सम्मान दिया, बैक टू बॉलर खेला गया स्ट्रोक। अतुल ने गेंद को फील्ड किया, रन की संभावनाओं को पूरी तरह नकारा, समाप्त किया। गेंदें आनी है 29 रन बनाने हैं 86। खूबसूरत प्रहार पर फील्डर है मौजूद, मौका एक रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। इन एक रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 48 रनों पर। जीत के लिए रन बनाने हैं 85। इस ओवर के बाद 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, 28 गेंद 85 रन, ये समीकरण। गेंद ढूंढने में असफल हो रहे बल्लेबाज, पुनः एक रन लेने का मौका रहा है। 49 रन पहुंचता हुआ योग, 84 रन और बनाने हैं। इस ओवर के बाद ओवर आनी है 4, अर्थात गेंदें आनी है 27, रन बनाने हैं 84। स्लोअर गति की गेंद, चकमा खाए यहां पर धीरज, कोई मौका नहीं रहा। गेंद वापस गेंदबाज के हाथों में, अतुल हैं गेंदबाज, प्रहारक छोर पर बल्लेबाज हैं धीरज। ओवर गतिमान है पारी का छठवा, रन बनाने हैं 84 रन बने हैं 49। खूबसूरत प्रहार, स्टेट ड्राइव किया है, फील्डर है मौजूद, एक रन लेने का मौका और एक रन के साथ 50 रन पूरे हुए हैं सीएसईबी 11 बिलासपुर के। रन बनाने हैं 83, गेंदें इस ओवर के बाद आनी है 4। अच्छी गेंद सम्मान दिया, खेला स्ट्रक ओवर पर, फील्डर है मौजूद, एक रन लेने का मौका, 51 पहुंचता हुआ योग। ओवर की हुई है समाप्ति, रन बनाने हैं 82। जीरो डिग्रीज रेस्टोरेंट फुलफिल ऑल योर क्रेविंग्स एट जीरो डिग्री। खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल, बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड बिजनेस पार्क अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891186। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग।
के लिए रन बनाने हैं 82। योगेश अपना कोटे का दूसरा और पारी के सातवें ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं। 24 गेंदें आनी है, 82 रन बनाने हैं प्रत्येक ओवर, 20.50 रन प्रति ओवर के रन औसत रन बनाने होंगे। सिक्स बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। तेईस गेंदें आनी है, 76 रन बनाने हैं, 6 बल्लेबाज आउट होने हैं शेष। खूबसूरत प्रहार, फील्डर काफी दूर, कोई भी मौका नहीं, 4 रनों का इशारा आता हुआ। गेंद 72 रन, अगर यह ओवर बड़ा होता है तो मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच जाएगी। 22 गेंदें आनी है, 72 रन बनाने हैं, 2 गेंद में 1 चौका और 1 छक्का, 10 रन। स्लोअर गति की गेंद, बीट हुए हैं बल्लेबाज। गेंदें अब आनी है 21, रन बनाने हैं 72। गेंद को उठा के खेल दिया, गेंद हवा में है, फील्डर थे वहां पर मौजूद और पारी का हुआ है अंत। मैच में पुनः वापसी कर ली है। इसका कौन सा मैच है? इसके बाद अमरकंटक का मैच है। किससे? मुंगेली नाका। अच्छा, गेंद सम्मान दिया, इसे खेला ऑन साइड में, फील्डर है मौजूद, मौका 1 रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का, और इन 1 रनों के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 62 रन। जीत के लिए 71 रन और बनाने हैं। इस ओवर के बाद 3 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। सिक्स कवर के ऊपर खेला गया प्रहार, 6 रनों के लिए। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। असेट गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड सरकंडा बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgaraj.com पर। जहां तक सवाल, यह मैच प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच है। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर अगले दौर में आई थी और संभवतः जीतने वाली टीम ऐसी टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनेगी। बैटिंग पावर प्ले,
तीन फील्डर ही बाहर रहेंगे, इस ओवर में तीन फील्डर ही बाहर रहेंगे। गेंदबाजी में देखना है किसे बुलाते हैं, कप्तान अभ्युदय कांत, गेंदबाजी में कपिल को बुलाया है। कपिल अपना कोटे का संभवतः पहला और पारी के आठवें ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं। 18 गेंदों में 65 रन बनाने हैं, ये समीकरण बन रहे हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट का यह उत्सव U6 पहली गेंद में छक्का लेकर अपने तेवर दिखा है। पांच गेंद अगर इसी तरह होंगे तो मैच में वापसी कर सकती है सीएसईबी। खूबसूरत प्रहार, फील्डर है मौजूद मिड विकेट पर, मौका एक रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का और इन एक रनों के साथ अब रन पहुंचता हुआ। धीरज लगातार अपने धैर्य को परख बावन रन और बनाने हैं। मैच का रोमांच धीरे धीरे वापस आता हुआ, जिस तरह से ये टीम लड़ रही है, संघर्ष कर रही, सराहना करनी होगी बल्लेबाजी में। बड़ा विकेट, मैच में वापसी की है। धीरज रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी, कैचेस विन द मैचेस, हालांकि काफी अच्छा प्रयास किया था। रन कितने बन चुका है? रन कितने बने? रन बन गया है 81 रन बने हैं। रन अब जो बनाने हैं वह बनाने हैं 52 गेंदों का, जहां तक सवाल 14 गेंदें आनी है। फरवरी का यह महीना जो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है, हर एक दिन हमें ले जा रहा है रंगों की ओर, अर्थात होली की ओर। तो मैं डीजे वाले से गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक गाना तो होली का बजा ही दें, कि दर्शक भी होलियाना मिजाज में आ जावे। एक वक्त है फरवरी का, फिर आएगा मार्च। अच्छी गेंद रही है, सम्मान दिया है, मौका सिरे में परिवर्तन का, एक रन लेने का, स्कोर पहुंचता हुआ 82 रनों पर। जीत के लिए रन बनाने हैं 51, 82 रन बन चुके हैं, 51 रन बनाने हैं। इस ओवर के बाद दो ओवर की गेंदबाजी और आनी है। पगबाधा की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपायर ने इसे नकारा, ओवर की रिव्यू लिया। संभवतः गेंदबाज ने निर्णय लिया है कि यह पगबाधा हो सकता है, अपने निर्णय अंपायर के निर्णय के खिलाफ उन्होंने अपील।
साबित हुआ है, अंपायर ने खेद व्यक्त किया है और विकेट जाता रहा है। ओवर पूरे हुए हैं 8, विकेट गिरे हैं 7, 2 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, 12 गेंदें आनी है, रन अब तक बने हैं वह बने हैं 82। डेली डोज बेक हाउस पैशन एंड प्रसिशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाए सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स व्यापार विहार बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज रायपुर रोड बोदरी बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। दो ओवर की गेंदबाजी आनी है। मैं धन्यवाद दूंगा डीजे वाले भाई को कि आपने दर्शकों की भावनाओं को समझा और उस मौसम को रंगों की दुनिया में ले चले जब आने वाली है होली। अब 8 मार्च वो दिवस होगा जब पूरा हिंदुस्तान रंगों से खिल उठेगा, लाल नीला काला पीला हरा, यूं कहें कि सतरंगी रंग रहेगी। और होली के पहले एक होली मनाई जाएगी जिला खेल परिसर के इस मैदान पर, जब फाइनल दर्जे का मुकाबला खेला जाएगा और वह होली से कम नहीं होगा, अर्थात जीतने वाली टीम के लिए भी होली होगी तो हारने वाली टीम भी होली मनाएगी। जीतने वाली टीम जीतेगी 4 लाख रुपए नगद की राशि और चमचमाती हुई विजेता कप की ट्रॉफी। हारने वाली टीम भी खाली नहीं जाएगी, वह भी जीतेगी 1,30,000 रुपए नगद की धनराशि और उप विजेता कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी। 4 रन, खूबसूरत स्टेप ड्राइव और इन 4 रनों के साथ रन। तिलेश गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इतनी बाहर की वाइड करार दी जाए, मुख्य निर्णायक ने इशारा किया वाइड बॉल का और इन 1 रनों के साथ रन संख्या 87 पहुंचती हुई। रनों को अगर थोड़ा अंकुश सीएसबी के गेंदबाजों ने लगाया होता तो मैच काफी रोमांचक होती, हालांकि काफी लंबा स्कोर बना हुआ है। अच्छा प्रयास आपने किया है पर यह प्रयास आपके लिए काफी नहीं है। मंच पर उपस्थित खूबसूरत समिति के संतोष सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 44 रन यूं कह सकते हैं। मंच पर उपस्थित आयोजन समिति के जयप्रकाश सिंह जी, शानुल खान जी, शशांक सिंह जी, वासु गुप्ता जी, आशीष थवैत जी, विकास सिंह ठाकुर जी, विशाल ताम्रकार जी, राज कश्यप जी, विश्वजीत ताम्रकार जी, विकास पाल जी, शिवा कौशिक जी। और इस वक्त जब गेंदबाज ने पुनः एक बार रिव्यू लिया है उनका पिछला, हमारा फाइनेस्ट फोटोग्राफर भाई सुरेश टाइगर, ये दिख नहीं रहा तो सानू जी ऐसे फंसे थे, नीरज क्या नाम है पाहुजा जी, हैं 90 रन बनाने हैं 43। संदीप श्रीवास जी,
मंच पर उपस्थित संदीप श्रीवास्तव जी। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3-स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ चीत कॉन्टिनेंटल रविन्द्रनाथ टैगोर चौक बिलासपुर छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया केटरिंग, शादी पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। संपर्क करें 8109590000। और अब मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। अच्छी गेंद, अगर सीधे थ्रो विकेटों पे लगती अभ्युदय कांत की तो विकेट जाता, विकेट हो सकता था। भाग्यशाली रहे हैं, एक रन लेने का मौका रहा है। और आज अभ्युदय कांत ने अपने विशाल स्कोर को परखने के लिए हर गेंदबाज को मौका दिया है। 7 गेंदबाज अब तक उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ओवर कम थे या हो सकता था कि 10 इस्तेमाल करते वो। चार गेंदे, यानी यूं कह सकते हैं कि प्रतियोगिता की क्वार्टर फाइनल में पहले पहुंचने वाली पहली टीम के गौरव को हासिल किया है एसीसी सन रियल इस्टेट बिलासपुर की टीम ने। और यह 6 रन रहे हैं, अच्छा प्रयास है अपनी टीम को कम से कम 100 की योग्यता तो ले जाएं। सौ रन से 2 रन दूर है सीएसईबी की टीम, 98 रन बना चुकी है। कॉट बिहाइंड की अपील और आउट करार दिए गए हैं, विकेट जाता रहा है। क्या नाम है? काशी।
जहां तक सवाल अगर हम बात करें बल्ले गेंदबाजी करने वाली टीम को, 7 गेंदबाजों को अजमाया है, वैसा ही मौका रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। अंतिम बल्लेबाज आए हैं, अर्थात शिकायत कोई भी नहीं करेगा कि मुझे बैटिंग का मौका नहीं मिला। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। मैं भाई विवेक ताम्रकार से गुजारिश करूंगा इसके बाद होने वाले मैचों की अब उद्घोषणा कर दे कि किसके बीच मैच खेला जाना है। भाई विवेक ताम्रकार जी आप मौजूद हैं? अंतिम गेंद और यूं कह सकते हैं इस मैच को जीत लिया है, अगले दौर में अर्थात क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इसके लिए टीम एसीसी सन रियल इस्टेट अभ्युदयकांत एंड टीम अभ्युदयकांत को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हार्ड लक सीएसबी, आपकी गेंदबाजी कमजोर रही है, नहीं तो आप प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच खेला जाना है। एमएनसीसी बिलासपुर बनाम अमरकंटक हेल्थ क्लब